नमस्कार, आप देख रहे बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल से खबर है, जहां हजारों लीटर शराब शौचालय सफाई टंकी की गाड़ी से बरामद हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, वहीं शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जाँच की जा रही है। खबर रोहतास जिला के दरिहट से है, जहां दरिहट थाना क्षेत्र के चैनपुर में सोन नदी में नहाने के दौरान 45 वर्षीय शख्स की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम बगेदन राम है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया। चैनपुर के गांव में नहाने के सोनी में कहां कहते हैं चैन सोनी में नहाने के हाँ तो गोड़ भी चल गया था, सोन में गिर गए। हाँ फिर गिर गए तो फिर औरत नहीं थे। हाँ वही मेरा गया लड़का देखा छोटे छोटे तो हाला करा डूब गया था। गांव टूट के गया था खोजने के लिए तो कहीं पता नहीं लगा उसको। पूर्वी चंपारण में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर केसरिया थाना परिसर में थानाध्यक्ष रोहित कुमार के नेतृत्व में लाइसेंसी बंदूक सत्यापन की कार्यवाही की गई। इसकी जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में सभी लाइसेंसधारी अपने अपने बंदूक के लाइसेंस का सत्यापन 5 सितम्बर तक करवा सकते हैं। जो लोग इस कार्यवाही से वंचित रह जाते हैं, उनका अगले आदेश के बाद सत्यापन किया जाएगा। क्या सत्य पाया गया, क्या पाया गया उसमें? सब सही पाया गया, दूसरा सब सही पाया। किस पर्पज से आपको बंदूक का सत्यापन हुआ? सत्यापन हुआ है, इलेक्शन है मुखिया का, उसी के थ्रू हो रहा है। वहीं मधुबनी समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार के अध्यक्षता में बैठक की गई। बता दें कि धार्मिक न्यास बोर्ड के परिसंपत्ति गन्ना उद्योग और कार्य का निष्पादन करने के संबंध में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ बैठक हुई। बैठक में मंत्री, विधायक, MLC सहित अन्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। मधुबनी की ऐतिहासिक धरती को नमन करते हैं और आज हमारा जो यहाँ मधुबनी में आने का जो प्रायोजन है, अब अभी जो है कोसी जो प्रमंडल है वहां के सुपौल में आज हम कोसी सुपौल मधेपुरा सहरसा तीनों DM के साथ कोसी प्रमंडल के हम धार्मिक न्यास बोर्ड की जो परिसंपत्ति है उसके संदर्भ में मीटिंग किए हैं, जहां हजारों एकड़ भूमि का तीनों जिला में वहां के कलेक्टर द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार ये जो दरभंगा प्रमंडल है, इस प्रमंडल में हम दरभंगा में मीटिंग किए, समस्तीपुर में किए, लेकिन इसका ये मधुबनी छूट गया था। तो हम लोग यहाँ के जो प्रमंडल आयुक्त हैं उनको हम लोगों ने निर्देशित किया कि भाई हम इधर से लौटेंगे तो आज 3:30 बजे से यहाँ भी बैठक करेंगे। मधुबनी में पार्ट 1 दूसरी पाली की परीक्षा स्थगित हो जाने से आक्रोशित परीक्षार्थियों ने मधुबनी के कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज उच्चैठ के मुख्य द्वार पर जमकर बवाल काटा। परीक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बताया जा रहा है कि प्रथम पाली में केंद्र पर परीक्षा ली गई, लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा किसी कारणवश स्थगित कर दी गई। जब हम लोग एग्जाम सेंटर पे आए हैं तो अचानक पता चला कि अचानक यहाँ नोटिस छाप दिया गया है कि आज का एग्जाम रद्द हो गया किसी कारणवश। हमें कारण जानना था तो पता चला कि यहाँ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आउट हो गया, इसलिए कारण। तो यही बताने के लिए, अगर क्वेश्चन आउट है तो ये सरकार की जवाबदेही है कि क्वेश्चन आउट क्यों होता है। अकस्मात ये खबर आई विश्वविद्यालय से, हम लोग को मेल के द्वारा सूचित किया गया। हम लोग तैयारी में लगे हुए थे, कुछ छात्रों को प्रवेश भी करा दिए थे, जाँच करनी होती है, कागज किट पुर्जा मोबाइल ये सब गेट पर हम लोग जाँच ही में लगे हुए थे। तब तक 12:15 बजे में मेल आया, अचानक हम लोग मेल खोले, देखे कि ऐसी ऐसी बात है, तो जो प्रवेश करके कुछ साल थोड़ा बहुत छात्र प्रवेश किए थे। खबर फुलवारी शरीफ के जानीपुर से है, जहां बाजार जा रहे दादा और पोती को बाइक सवार युवक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर पोती की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने शिवाला नौबतपुर रोड को घंटों जाम रखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और लोगों को समझा कर जाम को हटाया। वहीं स्थानीय मुखिया ने तत्काल पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए का चेक भी सौंपा। आ रहे थे दादा जोर, आ रहे थे दादा जोर, रोज जाता था हो गया तो क्या करें। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव कुमार झा बेगूसराय पहुंचे।
जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया कर्मियों के संबोधन के दौरान संजीव कुमार झा ने कहा कि आज बिहार में अराजकता की स्थिति है और बिहार की जनता वर्तमान सरकार से नाखुश है। आगे आने वाले पंचायत चुनाव के दौरान भी पार्टी के द्वारा पार्टी से संबंध रखने वाले प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में उतारा जाएगा। इस दौरान संजीव कुमार झा ने जमकर नीतीश सरकार पर हमला भी बोला। देखिए, आज बेगूसराय के जिले के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था, बहुत विस्तार से चर्चा हुई कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार होगा, क्या कार्य योजनाएँ होंगी और किस तरह से पार्टी का संचालन होगा। बहुत विस्तार से चर्चा के बाद ये तय किया गया, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, तो हालांकि ये चुनाव सिंबल पे तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक जो आम आदमी पार्टी के कार्यशैली में, आम आदमी पार्टी के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों को चुनाव में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। वहीं बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर मां दुर्गा की प्रतिमा को ममता बनर्जी की शक्ल में बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मां दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो सनातन धर्म को नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो खुद मिट जाएंगे। अब दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ही ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे वो सनातन धर्म का वो तुम नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो मिट जाएंगे। ये आजीविका मिशन जब मोदी जी 2014 में आए उस समय देश में 2,35,00,000 महिलाएं थी, 80,000 बैंक लिंकेज था, 80,000 करोड़। अभी लगभग 7.25 करोड़ महिलाएं हैं और 4,00,000 करोड़ लगभग उनको बैंक लिंकेज है। बेगूसराय में अगर मैं आता हूं तो बेगूसराय में 3,21,000 बहने हैं आजीविका में, जिन्हें दीदी कहते हैं। 564 करोड़ बैंक लिंकेज है। हमने तय किया है DDC के नेतृत्व में, आजीविका के यहाँ हेड के नेतृत्व में, कि 2022-21 मार्च तक 3,21,000 में कम से कम 1 से 1.5 लाख बहनों की आमदनी, मिनिमम 1,00,000 रुपया सालाना उनका हो, उसके लिए उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उस पर चर्चा हुआ है, और मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं हो, जो वैल्यू एडेड पापड़, तिलौड़ी, बेसन, उसका एक प्लेटफार्म बने। या कहने का है कि अब आजीविका मिशन हम बेगूसराय में लक्ष्य रखा है कि 3 साल के अंदर एवरेज महिलाओं की आमदनी 10,000 रुपया महीना, यानी मिनिमम 1,00,000 साल का 3,000 करोड़ का एक ताकत बने, और उसी तरह से राज्य का, उस देश का बने। सहरसा में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले के महिषी प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में पोषण माह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर पोषण संबंधी जानकारी यहां आए लोगों को दी गई। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कुपोषण से बचने की जानकारी लोगों को दी। इसी कड़ी में गोद भराई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अभियान के तहत माह सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत विविध कार्यक्रम विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाना है, और साथ ही कराए गए कार्यक्रम को जन आंदोलन डैशबोर्ड पर भी डाला जाना है। इसी क्रम में आज बाल विकास परियोजना कार्यालय में पोषण परामर्श केंद्र का शुरुआत किया गया है। इसमें प्रखंड में आए हुए लोगों को पोषण से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी, परामर्श दिया जाएंगे, ताकि जो हमारा उद्देश्य है एनीमिया की दर को 3% की कमी लाना और कुपोषण की दर को 2% की कमी लाने का, उस उद्देश्य को हम पा सकें।
और अब बात पटना की कर लेते हैं। विस्टीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भारत में नहीं दुनिया के 7 देशों में काम कर रही है, यहाँ लोगों के स्वरोजगार का एक बहुत ही अच्छा जरिया प्रदान कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ लोग बिना पैसा लगाए इस रोजगार को कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी पा रहे हैं। पटना में लेमन ट्री होटल में इस कंपनी की शाखा ने मीटिंग रखी, जिसमें प्रदेश से आए युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। ऐड नहीं करेंगे, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी, थैंक यू सो मच, आप हैंड डाउन कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उनसे कोई दुश्मनी है, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, 5 से 10 मिनट तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।